नमस्कार किसान मित्रों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका वेद कुमार और आप देख रहे हैं अमन मोर खेती चैनल। तो आज हमारे साथ हैं शिवराम जी, आज हम इसके खेत में आए हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे पेठा की, आपको दिखाएंगे पेठा की फसल। पेठा का नाम लगभग कौन नहीं जानता होगा, लगभग सभी ने सुना होगा, वो सभी के घरों में यूज किया जाता है। ये हमारी एक तरीके जो आपका पेठा आप अपने मार्केट से लेकर आते हैं खरीद कर खाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को जलपान के रूप में पेश करते हैं या उनको देते हैं, तो उसी पेठा की आज हम आपको फसल दिखाते हैं और देखते हैं कि हमारा पेठा कैसा होता है और इसकी फसल कैसे की जाती है। तो जैसा कि मेरे किसान मित्रों आप इस समय देख रहे हैं, हम पेठा की खेत में खड़े हुए हैं। तो आइए पूछते हैं शिवराम जी से कि उन्होंने इसमें लगभग इसके बीच कितने दिन पहले बोई थी और कैसे इन्होंने इसकी फसल उगाई, क्या प्रोसेस है इसका। शिवराम जी, आप हमारे किसान मित्रों को बताना चाहें आपने लगभग कितने दिन पहले इसमें बीज बोए थे खेत में। तो आप जब खेत की तैयारी कर रहे थे तो इसमें कौन सी खाद वाद का इस्तेमाल किया था। डाया, यूरिया, पोटाश। अच्छा, डाया, यूरिया, पोटाश। लगभग आपका एक खेत कितना होगा शिवराम जी? 8 बीघे का। तो इसमें लगभग कितनी डाया आपने यूज की थी? 2 बोरी। 2 बोरी हो पोटाश, 3 बोरी हो यूरिया, 1 बोरी। तो जैसा कि मेरे किसान मित्रों आपने देखा, इन्होंने बताया शिवराम जी ने कि 2 बोरी डाया, 3 बोरी पोटाश और 1 बोरी यूरिया का उपयोग इन्होंने खेत को तैयार करते वक्त इन्होंने जमीन में मेली ऊपर से छिड़काव करके फिर आपने जुताई कर दी होगी। फिर मैं आके फिर अपने इसमें आपसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, ये जो नाले के बीच की दूरी है लगभग कितनी होगी? भैया नाला दिखाना जरा, है ना बीच का। अच्छा, ये बीच का गैपिंग 10 फुट है और जो पौधे से पौधे के बीच की दूरी लगभग कितने फीट है? 1 मीटर का है। 1 मीटर का है, लगभग 3.25 फीट के आसपास। तो जैसा कि मेरे किसान मित्रों आप देख रहे हैं, तो लगभग शिवराम जी इसकी बुआई आपने कितने दिन पहले की थी? 3 महीने पहले। 3 महीने पहले। तो आप इसके बीज कहाँ से लाए थे? लखनऊ से। सर इसकी प्रजाति क्या है आप बताना चाहेंगे? VNR 889। जैसा कि मेरे किसान मित्रों आपने देखा, इन्होंने पेठा के बारे में बताया, तो इन्होंने इसकी 3 महीने पहले इसमें बुआई की थी और ये प्रजाति है VNR 889 का है ये लगभग। और आप पेठा आपको हम दिखाते हैं उठा के, ये देखिए किसान मित्रों, ये हमारा पेठा, ये देखिए काफी खूबसूरत फल है और काफी बढ़िया इनकी फसल है। लगभग इसका वजन कितना होगा शिवराम जी? इसका इस समय तो 5 किलो का है। 5 किलो का वजन होगा। तो ऐसा किसान मित्रों आप देख रहे हैं शिवराम जी ने बताया इसका वजन 5 किलो। सर इसका रेट क्या रहता है? 20-10-15 रुपए या किलो? किलो 20 रुपए 15 रुपए 10 रुपए किलो मंडी के। तो इसमें तो सर जी सफेद सफेद पाउडर भी निकलता है। वो पाउडर लगा ही, मतलब कोई कीड़ा सीड़ा नहीं लगे। अच्छा, आपने इसमें पाउडर लगाया है? नहीं, वो लगा कि पेड़ में होता है। अच्छा, पेड़ में होता है। तो आप कौन किसान मित्रों इसका छोटा फल दिखाते हैं पीछे का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा छोटा फल, अभी ये काफी बड़ा नहीं हुआ, अभी ये पकने के लायक नहीं। इसमें छोटे छोटे रोएनुमा आकृतियां पाई हुई है, ये मतलब ये पकने लगेगा तो इसमें पाउडर निकलेगा। जी जी, इसमें पाउडर निकलता है पकने के टाइम शिवराम जी बता रहे हैं। वो आप इसके पत्ते भी देख सकते हैं, ये हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियों में इसकी गिनती की जाती है। पेठा जो है कद्दू वर्गीय, इसके साथ सब्जी भी बनाई जाती है, तो इसकी सब्जी भी बनती है। और आपको हम बता देते हैं, आइए शिवराम जी एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, आपने लगभग इसकी खेती पहले भी की या पहली बार आप कर रहे हैं? पहली बार मैं इसको शुरू किया। तो जैसा कि मेरे किसान मित्रों आप देख रहे हैं शिवराम जी ने आपको अभी दूसरा पेठा दिया, पहली बार आपने इसकी खेती की है। अच्छा, तो लगभग इसमें खर्चा आपका कितना आया होगा लगभग 8 बीघे आपके खेत में? कम से कम 30,000। 35,000 रुपये का खर्चा आया। तो इसमें जी प्रोसेस यानी लगभग ये कितने दिन की फसल होती है, अभी कितने दिन तक चलेगी? ये मान चलो नवंबर में टूटेगा। अच्छा, नए वाला फल है ना, नवंबर में टूटेगा। ये सब नवंबर में टूटेगा। तो जी इसको आप सेल कर कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे बेचते हैं, किस मंडी में? अपना लखनऊ नहीं, आगरा। आगरा, आगरा भेजते हैं। तो जैसा कि मेरे किसान मित्रों आपने देखा कि शिवराम जी ने बताया ये पेठे को आगरा भेजते हैं, तो आगरे का पेठा तो मशहूर ही है, सभी लोग जानते हैं कि पेठा जो भी आता है आगरे से बन के आता है। आगरे का पेठा तो पूरे लगभग क्या कहते हैं यूपी और भारत में मशहूर है। तो आपको हम आगे दिखाते हैं, आइए। यहाँ पे बहुत सारे किसान मित्रों पेठे के फल लगे हुए हैं। भैया थोड़ा सही से चलना, इसमें काफी छोटे छोटे फल लगे हुए हैं पैर के नीचे माता। तो जैसा कि मेरे किसान मित्रों आप ये फल देख रहे हैं, ये देखें किसान मित्रों, ये हमारा पेठे का फल लगा हुआ है एकदम, काफी बहुत अच्छी फसल है, काफी बढ़िया फसल है। इसमें ये देखें भैया, जरा कैमरा पास लेकर आना, ये पाउडर है, ये देखें किसान मित्रों, इसमें इस तरीके का पाउडर छूट रहा है, ये देखिए आप, इस समय हमारे हाथ में आप देख सकते हैं। तो शिवराम जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपने हमारे किसान मित्रों को पेठा की इतनी जानकारी दी। और भी तो आइए किसान मित्रों, और भी शिवराम जी बता रहे हैं इधर है, आइए और भी देखते हैं। अच्छा, सही में किसान मित्रों आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी फल, भैया कैमरे से जरा दिखाना सारे फल, लगभग यहाँ पे 4-5 फल लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, ये देखिए 4-5 में बहुत सारे फल है ना, ये बतिया भी है ना। अच्छा अच्छा, काफी बतिया भी लगी हुई है, इसमें काफी छोटे फल लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, श्रीराम जी आपको दिखा रहे हैं,
किया, ये तो कम से कम 8 किलो का है। 8 किलो का है। तो जैसा कि आपने किसान मित्रों इस फसल का, इस फल का आप वेट देख सकते हैं, शिवराम जी बता रहे लगभग ये 8 केजी का हमारा फल है। तो आपसे बहुत अच्छा लगा शिवराम जी बात करके। और किसान मित्रों जानकारी कैसी लगी आपको? अगर पेठे से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों यहाँ पे इस समय धूप काफ़ी ज़्यादा, इस समय हमारे चेहरे पर पसीना काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है। और शिवराम जी भी ने हमें आप अपना इतना कीमती वक्त दिया, सर जी आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ धूप में आए यहाँ पे वीडियो शूट करवाने, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो अगर किसान मित्रों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।